श्रेष्ठम सिद्धम महाकाय कार्य। शो कैसा था तुम्हारा? इट वॉज ग्रेट। कल हमारी रामलीला में राम जी 14 साल के वनवास के लिए निकलेंगे। आपको सीरियसली ऐसा लगता है कि राम जी सीतामा को लेने ऑल द वे लंका गए थे 3000 किलोमीटर दूर? ऑफ कोर्स, इट्स अ फैक्ट। तुम्हारी जनरेशन को तो ट्रू लव का कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ आता। तो अगर कभी आपको किसी रावण टाइप कैरेक्टर ने किडनैप कर लिया, तो डैड आप जाओगे मॉम को बचाने? गूगल पे बाजीराव सिंघम टाइप कर ले, पता चल जाएगा तेरा बाप चीज क्या है। जिसे नफरत करता है और जिसे प्यार करता है उसके लिए कहीं भी जा सकता है। भारत की यह प्रथा रही है, सीता माँ का हरण हुआ तो लंका जली है। इतिहास खुद को दोहराने वाला है। साला सबूत नहीं तो हर गुनेगार बेकसूर। देख तुम्हें सबूत नहीं तो हम नेता के कुत्ते। तूने मेरे को मारा। वेरी वेल डन। इसको बोलते हैं ड्यूटी। आप सब लोग गुड नहीं गुडेस्ट हो। और बाजीराव तू, अरे गोवा का फेनी, गोवा का काजू, गोवा का कलंगुट बीच इतना फेमस नहीं जितना तू फेमस हो गया है। अरे विदाउट एनी सपोर्ट तू इतना अच्छा काम किया है, नॉन सेंस। अरे मैं तेरे को सपोर्ट करने को तैयार है। हाँ, आज से मैं तेरे को हमारे पुलिस डिपार्टमेंट ट्रेनिंग का चीफ बनाता है। ये नया नया कॉलर लड़का आता है ना, तू उनको ट्रेनिंग देगा। ये किडनैपिंग वगैरह का चिरकुट केस अपना डीएसपी पाटकर संभालेगा। खुश? सीधे सीधे बोलना, तू मुझे इस केस से हटाना चाहता है और जयकांत को बचाना। ये क्या बोल रहे तू है? जयकांत कौन है मालूम है तेरे को? कौन है मालूम है? हाथी है वो हाथी, उसके सामने तू चीटी भी नहीं है, चीटी बात करता है। जब चीटी हाथी के कान में घुस जाती है तो वो हाथी से भी तांडव करवा सकती है। कैसे घुसेगा रे तू है? कैसे घुसेगा? तेरे को कितनी बार समझाया गांवठी कि जयकांत के खिलाफ तेरे पास कोई सबूत नहीं है। क्या सबूत है इसके पास? बोलना क्या सबूत है तेरे पास? क्या है? तेरे बाप के पास क्या सबूत है कि तू उसका बेटा है? साला सबूत नहीं तो हर गुनेगार बेकसूर। देख तुम्हें सबूत नहीं तो हम नेता के कुत्ते। तूने मेरे को मारा है, मेरे पे हाथ उठा है, मिनिस्टर पे हाथ उठा है। इस बात का क्या सबूत है कि मैंने तुझ पर हाथ उठाया? ये लोग है ना, इन्होंने देखा, तुम लोगों ने देखा ना इसने क्या किया? क्या हुआ साहब? तुम लोगों ने देखा ना इसने मेरे को मारा? क्या मस्करी करते हैं साहब, सिंघम साहब तो अपने जगह पे खड़े हैं, उन्होंने आपको टच भी नहीं किया। तुम सब लोग झूठ बोल रहे हो, एक दूसरे से मिले हुए हो तुम। ए, तेरा नाम बाजीराव होने से कुछ नहीं होता, तू क्या समझता है बाजीराव होने से तू क्या मराठा होगा क्या? लेकिन मैं तेरे को बताएगा कुर्सी का पावर क्या होता है, वो मैं बताएगा तुम लोग कुर्सी का पावर क्या होता है। बहुत कुर्सी कुर्सी करता है ना तू, इस बार तुझे ऐसी जगह मारेंगे कि जितनी बार कुर्सी पे बैठेगा हमें याद करेगा। मुझे वागाचे पंजे तुझे इच्छा गावा प्यारे। साहब मेरा 6 महीना बाकी है रिटायरमेंट का, मैं भी एक मारूं? क्यों टक? हाय गाइस, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।